अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक ही होंगे। डिसेंट फॉर क्लास के अंदर आपको फिर से वेलकम, खुश आमदीद एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने लाजमी जो है ना शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आप परेशान हैं, ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपके काम के रिलेटेड काम नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आप काम करना चाहते हैं फाइबर ग्लास का, ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा। मैं एक और बात बताता चलूँ, अगर आपको मिसाल के तौर पे किसी भाई को काम चाहिए होता है ना, तो वो मुझे कमेंट्स कर दिया करे, या फिर मेरा इंस्टा पे आपको आईडी मेरी शो हो रही होगी, हाँ ये मेरी आईडी सर्च कर लें, इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं वो जो है ना मैंने बिज़नेस के लिए बना ली है, जो भाई काम सीखना चाहता है। तो इंस्टा पे मैं जो फ्री आपको जो है ना ऐसी बातों के जवाब और दूंगा सवालों के जवाब। तो इंस्टा की आईडी आप देख रहे हैं, सर्च कर लें, न्यू न्यू आईडी बनाई है मैंने, तो यहाँ आपने मुझे जो है ना क्या करना है मैसेज कर देना है। और जिन भाइयों को बंदे चाहिए होते हैं वो भी मुझे ना मेरे इंस्टा पे मैसेज कर दे, ताकि जो है ना काफ़ी बंदे होते हैं जिनको काम चाहिए होता है, उनको जो है ना जगह का पता होता है, काम मुझे काम मिलना है, वो चाहे पूरे पाकिस्तान में जाना चाहते हों। कोई ऐसे भाई होते हैं जिनको काम बंदे चाहिए होते हैं काम के लिए, और उनको पता नहीं होता बंदे कहाँ से मिलने हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि एक दूसरे की आप मदद कर सकें, जिनको बंदे चाहिए भी और जिनको काम की ज़रूरत है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि उनका फ़ायदा हो। तो आजकल हालात भी बहुत ख़राब है, आपको पता भी है, तो हर बंदा परेशान है। तो अच्छा, आप मिसाल के तौर पर आप जो है मुझे दो बंदे चाहिए, तो अगर मुझे नहीं चाहिए किसी भाई को चाहिए, ठीक है, कश्मीर में अगर आप चाहते हैं कि आपका काम भी आपको मिल जाए जल्दी जल्दी, और काम भी प्यारा सा हो और जगह भी प्यारी सी हो, ठंडी ठंडी, ठीक है, गर्मियों में भी मज़े हों उसके अंदर, और सैलरी भी अच्छी हो, पैकेज अच्छा हो सारा, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो फैब्रिक ग्लास का जो कारीगर है वो दरवाज़े बनाने हैं, ठीक है, तो दरवाज़ों का काम है वो, आपने दरवाज़े बनाने हैं, कारीगर भाई को किसी को चाहिए कश्मीर में, ठीक है, सैलरी भी है। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, वहाँ डिटेल में आपको समझा दूंगा, लोकेशन भी क्या है, ठीक है। जो भाई जाना चाहता है सीरियस भाई, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज़ प्लीज़ तो इस तरह तंग ना कीजिएगा कि सर ये क्या ये है, इस तरह के इस तरह, ठीक है, उल्टे सीधे सवाल नहीं। जिसने करना है इंस्टा पे आए, ठीक है, तो सैलरी मैं पैकेज बता दूंगा, खाने का पीने का सारा बंदोबस्त जो है वो बताऊँगा क्या है इसका हिसाब किताब है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ज़रूरतमंद हज़रात हैं उन तक ये वीडियो लाजमी पहुँचे। तो और बात आया कि सर एक और बात बताता चलूँ कि मुझे ना बहुत तंग किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, जो मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, मैं बार बार तीन चार, अब तीसरी वीडियो तो है मेरे ख्याल में, मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ कि सर मैंने जो है जो व्हाट्सएप पे जो है वो मैंने अब की है बिज़नेस के लिए, मुझे बिज़नेस अगर आप मुझे सीखना है, आप या फिर कोई परचेज़ करनी है मुझसे चीज़, या फिर आपने मुझसे काम सीखना है प्रॉपर, तो फिर कॉन्टैक्ट कीजिएगा मुझसे, रब्ता करें, अदरवाइज़ ये जो है मेरे वीडियो देखते हैं बहुत सारे मैं भाइयों के जो है इसे मैं बार बार बना रहा हूँ, बहुत सारे भाई ऐसे हैं वीडियो देखते हैं उनके फ़ायदेमंद होती है, बस उन्होंने कहा चलो जी इन्होंने बनाया हुआ ये काम किया हुआ है, डायरेक्ट इनसे ही क्यों ना पूछ लें, वीडियो भाड़ में जाए वीडियो नहीं देखती हमने। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, फिर आप मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, मैं फिर कैसे बताऊँ आपको भाई। तो एक बार नहीं हुआ, पता नहीं कितनी बार ऐसे हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देख लिया करें, आपको समझ ना आए तब आप मुझे बात करिए करें। मैं जो भी देखता सर मैंने वीडियो देखी, मैंने फिर मुझे भी पता होता है कौन सी वीडियो कहाँ क्या क्या देखा है इसने, मैं फिर उसके रिलेटेड बात करता हूँ, सवाल करता हूँ इस यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ क्या हुआ था, उनको पता ही नहीं होता, वीडियो देखी होगी तो पता होगा ना। तो प्लीज़ वीडियो देख लिया करें, फिर आप मुझे ऐसे मैसेज ना किया करें प्लीज़। तो सिलिकॉन, ठीक है, आजकल सिलिकॉन का बहुत जो है दौर चल रहा है, सिलिकॉन डाई जो बना रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्ट उसके बनती हैं सिलिकॉन की, जो फाइबर ग्लास की डाइयों में नहीं बनती, ठीक है, फाइबर ग्लास की डाइयों में जैंड आते हैं, सिलिकॉन के अंदर जैंड नहीं आता। आपकी जो भी आप खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ बनाना चाहें तो वो उससे विदाउट जैंड जो है, ठीक है, जो जोड़ आते हैं हमारी डाई के अंदर, जब पीस का आपस में जोड़ते हैं ना उसके अंदर जैंड आता है, उसको फिर हम तैयारी करते हैं। तो अगर आप सिलिकॉन खरीदना चाहते हैं तो वो भी इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर से इंस्टा आपके शो में शो होगा, ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी शो होगा, ये मेरा व्हाट्सअप भी है, और आप फ़ोन भी कर सकते हैं, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो जिसने परचेज़ करनी है तो वो, अदरवाइज़ जिसने काम सीखना है जो भी करना है इंस्टा पे आए या फिर व्हाट्सएप पे,
जो दूसरे जो हैं वो प्लीज़ ना किया करें, इस तरह तंग ना किया करें। तो सिलिकॉन का आजकल बहुत ठीक है आ रहा है, मार्केट में नाम चल रहा है सिलिकॉन, मिलती नहीं है। बट हाँ अगर आप जो है हमसे कहते हैं ना कि आज हम से कहेंगे कि हमें चाहिए, तो हम जो है ना तकरीबन 75% जो है ना आपसे पेमेंट लेंगे, और 3 माह का टाइम होता है। ये बाहर से इम्पोर्ट होती है, यहाँ पाकिस्तान में नहीं है तो बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो प्लीज़ 3 महीने का टाइम होगा और 75% आपने पेमेंट पहले देनी होगी आपको। तो एक और जो है सवाल बार ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे कि सर जो है ना आजकल दरवाज़ों का रेट क्या है फैब्रिक ग्लास के, तो सर आपकी तलाक के लिए, सॉरी आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपको पता है पाकिस्तान की मार्केट का डेली रेट अप जाते हैं, नीचे नहीं आते, ठीक है। महंगी से महंगी चीज़ होती जा रही है, वो नहीं होती। आपको मैं आज का रेट बता दूँ कल का, ठीक है, मटेरियल महंगा हो फिर आप कहेंगे दूसरे हफ्ते बाद पूछें सर आपने तो इतना बताया था, तो इस तरह भी नहीं होता, ठीक है। एक दो भाई ने किया था इस तरह, तो फिर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको भी पता चल जाए कि आज का रेट होता है कल का, और नहीं घंटे का नहीं पता भाई, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखा करें, ठीक है। तो बाकी रही बात, अगर आप जल्द से जल्द काम का चाहिए आपको, ठीक है, तो प्लीज़ फिर आपने लाजमी इस वीडियो को देखना है। अगर नहीं चाहिए आपके अजीज़ अकारब को चाहिए, आपसे शहर में दूर हैं, तो प्लीज़ उनको वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। तो मैं अभी इधर आया हूँ, थोड़ा अपने मंगला डैम सुना होगा आपने, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ मैं थोड़ा सा आया हुआ हूँ अपने काम के लिए, तो ये मैं चेक करवा दूँ, ये चेक कर लें। आप कहेंगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो जो है ना नज़र आ रहा है आपको, ये मंगला डैम है, ठीक है। ये बहुत दूर है हमसे, ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ये है जी मंगला डैम, ऊपर किला है, ठीक है। ये जो साथ आपको दिखा पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये इसकी जो है ना बाउंड्री है, ये इसकी दीवारें बनी हुई हैं ताकि पानी को उन्होंने रखा हो। ये ऊपर सेटेलाइट बना हुआ है जहाँ जहाज़ वगैरह ट्रैक किए जाते हैं, किसी दुश्मन का जहाज़ इंडिया से आए ना तो यहाँ सेटेलाइट लगाया उन्होंने। तो ये सारा उस पार जो है ना कश्मीर है, ये आपको जो टैंकी नज़र आ रही है ये भी कश्मीर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे दरमियान में जो दरिया है आपको नीचे खुश खुश येलो येलो नज़र आ रहा होगा, ये ठीक है, ये पट्टी आपको नज़र आ रही है येलो येलो, ये सारा दरिया है सूखा हुआ है। तो अभी तो डैम ने पानी बंद किया हुआ है, पीछे इंडिया वालों ने डैम बना दिए, यहाँ पानी है नहीं, तो ये खुश्क हो गया। इस पार पाकिस्तान है, उस पार जो है कश्मीर है। तो ये देखें, आपको पता भी है कश्मीर में सर्दियों में गर्मियों में तो मज़े होते हैं, ठीक है। कोटली में जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और जो भाई इस तरह की, ठीक है, और जो भाई जो इस तरह के इलाके में काम करना चाहता है तो वो प्लीज़ वीडियो मिस मत करे और जल्दी जल्दी रब्ता कर ले, ठीक है। बाकी आपने व्यू देखा माशाल्लाह बहुत, कश्मीर का तो वैसे ही नज़ारे अच्छे होते हैं गर्मी में, अब तो सर्दी गर्मी आने वाली है, गर्मी में तो मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। तो मेरा अगर अपना काम नहीं होता तो मैं तो ज़रूर चला जाता, देर नहीं लगानी थी मुझे, मुझे और प्रॉब्लम आती किडनी की। तो हाँ एक बात, यहाँ तबीयत मेरी थोड़ी सी इस तरह ही रहती है, प्लीज़ दुआ किया करें यार मेरी तबीयत हमेशा के लिए ठीक हो जाए और इस गुर्दों की बीमारी से मेरी जाना जान छूट जाए, तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा। और जो है अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी, अल्लाह हाफिज़।